आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव माँ पार्वती हमेशा आपकी खुशियों से झूली भरे, यही प्रार्थना करते हुए आज दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश जी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आरंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के जो है, जैसे जैसे समय बढ़ रही थी, उम्र बढ़ रही थी, साथ ही सभी स्त्रियों से संबंधित उसमें विशेष गुण थे। और वह बहुत सुंदर थी, संस्कारवान थी और गुणवान भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु के वेश में महाराज जी पधारे। वह अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे और विशेष उनका आकर्षण था। वह उस कन्या के सेवा भाव से, अर्थात उस कन्या ने उन साधुजन की विशेष सेवा अर्चना की, जिससे वह काफ़ी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में योग्य विवाह नहीं लिखा हुआ है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके विवाह में जो है तुरंत योग बने, एक सुयोग्य पति उसे प्राप्त हो, घर परिवार का सुख उसे प्राप्त हो। फिर साधु विचार करने लगे कि किस तरह से कन्या के योग बने और उसके जीवन में जो दुख तकलीफ है उनका अंत हो। तब साधु जी महाराज थोड़ी देर साधना करने के बाद सोच विचार कर बोले कि आप जो है कुछ दूरी में एक सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और महिला इसकी शादी अपने मांग में से, जो जिसकी सेवा कर रही है उसकी मांग में से थोड़ा सा सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह होगा और कन्या के जीवन में जो वैधव्य योग लिखा है, अर्थात विधवा होने का योग लिखा है और पति बच्चों का योग नहीं लिखा है, किसी न किसी तरह से पारिवारिक सुख उसके जीवन में कभी नहीं रहेगा, वह योग लिखा है तो वह पूर्ण रूप से मिट सकता है। साधु के बताए अनुसार वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल वह उठी और कन्या सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी और अपने घर वापस आ जाती थी काम इत्यादि निपटा कर। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती थी कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर देती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही आकर घर के सारे काम निपटा देता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक सुंदर कन्या अंधेरे समय में ही आ जाती है और घर के सारे काम निपटा कर चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और क्यों इस तरह से हमारे घर की देखभाल और सारे काम कर रही हैं और चाकरी करते हुए हमारी सेवा कर रही हैं, कृपया बताइए। तब कन्या ने साधु द्वारा की गई सारी बात बताई कि मेरे जीवन में पति बच्चों का सुख नहीं है और वैधव्य योग लिखा हुआ है। तो सोना धोबिन पति परायण थी, उसके अलग ही तेजस्व प्रभाव था। वह तैयार हो गई और उसने जो बातें बताई थी कि तुम्हें अपनी मांग का सिंदूर देना है, जिससे कि मेरे जीवन में जो रोग है, कष्ट है, पति का और बच्चों का मेरे सुख नहीं लिखा है, वह सभी मिट जाए। अर्थात सभी साधु की बताई हुई बातें कन्या ने उस महिला को बता दी जो कि पति परायण थी। तब वह तैयार हो गई। सोना ने वह धोबन जो है उसकी कार्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। इस बात का जब वह पता चला, वह घर से निर्जल ही रहकर चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो आज सोमवती अमावस्या है, परिक्रमा दूंगी, भवरी करूंगी और जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी दी, 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करके उसका मुर्दा पति वापस जो है उसके शरीर में जान आने लगी।
धोबिन का पति वापस जीवित तो उठा, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करने से जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके जीवन में सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह मात्र सोमवती अमावस्या को, जो अमावस्या पड़ती है सोमवार के दिन अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन भी 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा प्रचलित है कि इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन धान पान और हल्दी सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्यानुसार फल मिठाई सुहाग की सामग्री खाने की सामग्री की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सभी सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण नंद या भांजे को दान में दे दिया जाता है। इस तरह से जो भी महिला सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, पीपल पूजा करती है और परिक्रमा लगाती है, भौरी का दान करती है, उसे जो है जिस तरह से जब उस महिला का एक सौभाग्य तेजस्व प्रभाव था जिससे कि उसका पति दोबारा से जीवित हो उठा और उसी के सौभाग्य से उस गरीब लड़की का जो दुर्भाग्यवती थी जिसके वैधव्य का सुख लिखा था पति बच्चों से सुख नहीं लिखा था, सिर्फ उसके तेजस्वी स्वभाव से उसके प्रभाव से व्रतों के प्रभाव से मात्र सिंदूर का जूठा सिंदूर उसने उसके मस्तक पर लगा दिया और उसके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो गया। ठीक उसी तरह से जो भी महिला सोमवती अमावस्या का व्रत करती है सुहागिन की चीज़ें दान में देती है और विशेष पूजा अर्चना करती है उसके सौभाग्य में भी उन्हीं महिलाओं के समान वृद्धि हो जाती है। साथ ही इस दिन सोमवार का दिन है, महादेव का पूजन माँ गौरा का पूजन करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग कर्ज से मुक्ति मिलती है, पूरा परिवार सुख पाता है। आप सभी के लिए भी पहले ही वीडियो दे दिया गया है कि किस तरह से आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यह कहानी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।